इस रिवर में हमें बोटिंग करने के लिए साफ साफ मना कर दिया था क्योंकि ये टाइम नहीं है घूमने लायक। और इन्होंने हमसे एक पेपर पर भी साइन करवा लिया था क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े सांप और मगरमच्छ पाए जाते हैं। इतनी गर्मी है कि वो जंगलों में नहीं छुपते हैं, वो पानी के नीचे बैठे रहते हैं। लेकिन हमने ये रिस्क किया एक्सेप्ट और चले गए मगरमच्छों से मिलने के लिए। मेरा ना सांप को देखने का मन तो बहुत ज्यादा था, इसीलिए मैं और मेरी टीम निकल गए बोटिंग करने के लिए। आज की बोटिंग बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बोटिंग करने वाली हूँ। बाकी काफी सारे हमारी टीम में लोगों ने बोटिंग की है लेकिन मेरा ये फर्स्ट टाइम है। पहले तो भैया ने अच्छे से सिखाया कि बोटिंग आपको कैसे करनी है और अगर कोई स्नेक या मगरमच्छ आए तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये लोग हार्म नहीं पहुँचाते हैं। तो बस भैया ने हमें अच्छे से सिखा दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि आपको ऐसे ऐसे क्या क्या करना है। 15 मिनट का हमारा टाइम था, 15 मिनट में भैया ने हमें सब कुछ सिखा दिया। उसके बाद मेरे पैरों पर बांध दी गई एक बेल्ट। पहले तो मुझे लगा एक बोट में दो लोग तो बैठेंगे, फिर बाद में पता चला एक बोट में सिर्फ एक ही इंसान बैठ